वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचना पाकिस्तान के लिए अब किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। अगर आज बांग्लादेश के खिलाफ पाक टीम असंभव सा दिखने वाला कोई चमत्कार कर दे तो वह एक नया इतिहास रच देगी। मुंबई बम धमाकों का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम के बारे में पाक विदेश कार्यालय ने दावा किया है कि वह पाकिस्तान में नहीं है। इसी सप्ताह लंदन की एक अदालत में अमेरिकी जांच एजेंसी ने दावा किया है दाऊद कराची में रह रहा है। पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद ने माना है कि बांग्लादेश के खिलाफ उनकी टीम को ऊपर वाले से चमत्कार की आस है, तभी वह सेमीफाइनल में पहुंच सकती है। सरफराज ने यह भी कहा कि टीम अपनी ओर से पूरी कोशिश करेगी। दक्षिणी कैलिफोर्निया में शक्तिशाली भूकंप के झटके महसूस किए गए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्वीट कर दावा किया कि सब कुछ पूरी तरह से नियंत्रण में है। अधिकारियों का कहना है कि ढांचागत सुविधाओं को काफी नुकसान पहुंचा है। रविंद्र जडेजा को अभी तक अंतिम 11 में जगह नहीं मिल पाई है, लेकिन बतौर सब्स्टिट्यूट फील्डर उन्होंने अपनी उपयोगिता साबित की है। चाहे छलांग लगाकर रन रोकना हो या फिर कैच, जडेजा भारतीय टीम के लिए अहम साबित हुए हैं। भारत ने पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों के अपहरण और जबरन धर्म परिवर्तन की घटनाओं को लेकर पाकिस्तान के समक्ष अपनी गंभीर चिंता जताई है। भारत ने इस संबंध में पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा के लिए कदम उठाने को कहा है। राहुल गांधी के इस्तीफा देने और अगला उत्तराधिकारी चुनने की प्रक्रिया से खुद को अलग रखने के बाद संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने भी कोई सलाह या हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। गांधी परिवार कतई नहीं चाहता कि पार्टी जिसे अगला अध्यक्ष बनाए उस पर परिवार के करीबी होने या कठपुतली होने का आरोप लगे। बुधवार को पाक ने मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद समेत 12 आतंकी समूह के खिलाफ कार्रवाई का दावा किया। भारत ने कहा दाऊद कहाँ छिपा है ये सबको पता है। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राज्यसभा में यह जानकारी दी। पाकिस्तान ने शुक्रवार को हवाई क्षेत्र पर प्रतिबंध 12 जुलाई तक बढ़ाया। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाक ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया था।